हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। बैंगन का सेवन होता है बहुत सेहतमंद, पर इन लोगों के लिए नहीं है जहर से कम। बैंगन भारत में पाई जाने वाली एक ऐसी सब्जी का नाम है जिसका रंग काला होता है, साथ ही बहुत चमकदार भी होता है। दुनिया भर में बैंगन की कई किस्में पाई जाती हैं। बैंगन को कई तरह से व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। बैंगन को आयरन का सबसे बड़ा सोर्स माना गया है। कहा जाता है कि यदि किसी को आयरन की कमी हो तो बैंगन का सेवन करने देने से उसकी ये परेशानी दूर हो जाती है। बैंगन के बहुत फायदे हैं, जैसे ये पाचन दुरुस्त करता है, वजन कम करता है, कैंसर, मधुमेह, एनीमिया, बालों के लिए, त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। पर ये जितना फायदेमंद है उतने ही इसके नुकसान हैं। कहते हैं कि हर चीज की अति बुरी होती है। जब हम इसका नियमित सेवन करते हैं और सीमित मात्रा में करते हैं तब ये ठीक है, लेकिन इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो गर्भवती महिलाओं को बहुत अधिक बैंगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक मूत्रवर्धक है और भ्रूण को नुकसान पहुंचाता है। जब आप बैंगन का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपके शरीर पर दवा का असर कम होता है। तले हुए बैंगन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका सेवन सेक कर ही करना चाहिए। जब हम बैंगन को तलते हैं तो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बैंगन में कई तरह के फाइटो हार्मोन्स होते हैं, इससे पीरियड समय से आने की आशंका बढ़ जाती है। कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या हो सकती है। यह एक बारी सब्जी होती है, इसलिए बवासीर और कब्ज के मरीजों को ये नहीं खाने चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।